ABCD। हेलो, क्वेश्चन आंसर बना लिए। गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फ्लोइंग लेसन एट आवर प्लेनेट अर्थ डे टू वीडियो वन। ये हमारा जो है वीडियो, इसे वन या टू के थ्री के रूप में कहेंगे, तो तीन बार में इसे हम चैप्टर को पूरा किए हैं, क्लास थ्री साइंस। चलिए देखिए क्वेश्चन आंसर का जो तीन तक बना लिया, वन टू थ्री, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। चौथा नंबर है व्हाट इज द पेज नंबर आपका 80। देखिए क्वेश्चन नंबर चार, व्हाट इज रिवोल्यूशन इन हाउ मेनी डज द अर्थ कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन। क्वेश्चन हमारा ये है, आंसर जो है द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। द अर्थ कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365 1/4 डेज 1 ईयर कॉस्ट में। इस तरह से हम लोग बनाए। पांचवा नंबर, डिफाइन रोटेशन व्हाट इज इफेक्ट ऑन द अर्थ। द स्पाइनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स आवर एक्सिस कॉल्ड रोटेशन ऑन द अर्थ। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज बाय डे एंड नाइट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सिस एंड ऑर्बिट। तो एक्सिस इज टस्पिंच अबाउट एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर कॉल्ड एक्सिस। ऑर्बिट का है। द अर्थ गोज अराउंड द सन इन ए फिक्स्ड पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट व्हाइल रोटेटिंग ऑन इट्स ऑन एक्सिस। व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड ए ब्लू प्लेनेट। अर्थ इज कवर्ड विथ 70% वाटर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। इस तरह से हम लोग एक्सिस और ऑर्बिट का भी किए, व्हाई द कॉल्ड। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। इसे कंप्लीट द फेयर कॉपी लेसन 8 तक कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे और वर्ड मीनिंग के साथ हार्ड वर्ड सब लिखते जाएंगे, CW SW के तौर पर बनाते जाएंगे। जो चार्ट पेपर में दिया गया वो भी तैयार कर लेंगे।